वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा, मेरे साथ कामनी जी हैं। कामनी जी की एज कितनी है? 67। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, आप कैसे आए और क्या फ़ायदा है आज आपको? 4-5-6 दिन हो गए हैं। मैं फरीदाबाद से आती हूँ और मैं वीडियो देखा करती थी यूट्यूब पे चिरोपैथी की, तो मैंने वहीं से देखकर सोचा कि मैंने यहाँ जाना है और मैं फरीदाबाद से यहाँ तक आती हूँ। लगातार भी आई हूँ लेकिन अभी मैं एक दिन छोड़ एक दिन आती हूँ। तो क्या फायदा हुआ है? देखिए, फायदे की बात तो मैं कहूँ तो मेरी कमर में दर्द तो जो पहले बहुत ज्यादा होता था वो बिल्कुल भी नहीं है, और चलने में भी इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन अभी मुझे जो सुनपना है वो खत्म नहीं हुआ। जी मेरे हाथों में सुनपना पूरा है, साथ में राइट में, और पैर में तो मुझे फर्क पड़ रहा है क्योंकि पैर भी राइट वाला उसमें प्रॉब्लम थी, तो अभी काफी मुझे फर्क पड़ा है। तो आपको ये सुनपन कब से है? सुनपन मैं एक दफा सीढ़ी से गिर गई थी, उस समय तो मैं अच्छी हेल्थ थी और मेरी एज भी कम थी, तो उसके बाद में फिर बाइक से भी गिर गई, तो ऐसे एक दो बार मेरे साथ हो गया। तो 10 साल हो गए इसको? 10 साल लगभग हो गए होंगे। तो उसके बाद आपने कोई इलाज कराया, कुछ कराया? इलाज के नाम पे मैंने बहुत बार इलाज कराया, मैंने 40s में भी सारा चेकअप कराया, मैंने वहाँ पर सर्वोदय में भी चेकअप कराया, ESI में भी कराया, लेकिन मुझे नमनेस तो मुझे रही है, बनी रही है, बनी रही, मुझे कभी आराम नहीं। ऐसा नमनेस 24 घंटे रहता है या कभी कभी रहता है? नहीं, नमनेस कंटिन्यू रहती है मेरे हाथ में और मेरे ये राइट पैर में, ये लगातार नमनेस है, और नमनेस की वजह से मुझे बहुत बेचैनी है, उससे मेरे नेल्स वगैरह में भी नमनेस रहती है। ओके, तो नमनेस थोड़ी बहुत भी कम नहीं हुई है? नमनेस नहीं, नमनेस से मैं बहुत परेशान। ओके, एक ही तरफ होती है, दोनों तरफ होती है? मेरे राइट राइट साइड में ही होती है सर, सब कुछ राइट साइड में? हाँ होता जी, है। हाँ जी। ओके, चलिए व्यूअर्स, आपने आंटी जी की प्रॉब्लम सुनी, काफी साल से परेशान है, दिक्कत इनको गिरने की वजह से हुई और नमनेस से वो आज भी परेशान है। कितने दिन हो गए आपको आज यहाँ पे? मुझे तो 6-7 दिन हो गए, 6-7 दिन हो गए हैं, है ना? बीच बीच में मैं ब्रेक लेती हूँ क्योंकि फरीदाबाद से आते हैं इसलिए रोज बुलाना पॉसिबल नहीं होता, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि पेशेंट कितनी दूर से आ रहा है। अब यहाँ पे लेटेंगे आंटी और मैं आपके एडजस्टमेंट दिखाऊंगा वीडियो में, करवट लेंगे मेरी तरफ। वेरी गुड, बहुत अच्छे से, वेरी गुड, और करवट ले लीजिए, नीचे वाला पांव सीधा कर लेंगे, हाथ मोड़ेंगे, ये वाला दे देंगे, वेरी गुड। अब वॉक करते हैं? वॉक करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं। अच्छा, वॉक कितनी करते हैं? आधा घंटा? नहीं, तो देखा बट करती हूँ। अच्छा, वेरी गुड, ऑलमोस्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। इसको बस जाने देंगे, रिलैक्स करेंगे, ब्रीथ आउट करेंगे, वेरी गुड, उस तरफ। नीचे वाला पैर सीधा करेंगे, इसको ऐसे रख लेंगे। दस चढ़ रही है उस पैर की? हाँ, थोड़ी सी चढ़ेगी, जरा सा मोड़ लेंगे, नीचे वाला पांव सीधा करेंगे, ओह वेरी गुड, बहुत अच्छे से खुल गया, सीधा लेटेंगे। ये खुलता नहीं था पहले? हाँ जी। थोड़ा सा बीच में आ जाएंगे, गर्दन देंगे, वेरी गुड, इधर भी छोड़ देंगे, ओ बहुत अच्छे से खुल गया, हाथ देंगे, छोड़ेंगे, छोड़ेंगे, वेरी गुड, ये छोड़ेंगे, वेरी गुड,
ये वाला हाथ देंगे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आ जाइए। तो आप वजन कम करने के लिए क्या वो कर रही है जो मैंने आपको पहले दिन बोला था? खाना बिल्कुल छोड़ दिया है। हाँ। मुझे कोई फर्क तो लग भी नहीं रहा खाना छोड़ के। मैं सलाद ही खाती हूँ ऑलमोस्ट, और दोपहर मतलब दोपहर में खाना खा लेती हूँ। दोपहर में तो अब देखिए आज तो बिल्कुल अपसेट हो गए। जब यहाँ आती हूँ तो खाना बिल्कुल ही ऑलमोस्ट ना के बराबर ही होता है। अभी कितने 10 दिन हो गए छोड़े हुए? हाँ ना, हो गए। जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ 7th से अब तक खाना नहीं खा रही हूँ मैं, मतलब कि प्रॉपर। अच्छा, वेरी गुड, अच्छी बात। सलाद लेती हूँ बिल्कुल, और भूख भी मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे भूख लगती हो बहुत ज्यादा, भूख भी नहीं लगती है। तो आपको नींद बड़ी होगी, ज्यादा अच्छे से सो पा रहे होंगे खाना छोड़ने की वजह से? हाँ, नींद तो अच्छी आती है, नो डाउट। अब ज्यादा अच्छी बेटर आ रही होगी पहले से? हाँ, नींद तो मुझे पहले भी बहुत आती थी। अच्छा, लेजीनेस होती थी, पता नहीं क्या होता था। हाँ। बहुत ज्यादा नींद आती थी मुझे। हुँ। अभी तो मतलब दिन में भी मुझे कभी भी सो जाती थी बिल्कुल, और बिल्कुल होश नहीं रहता था मुझे। लेकिन अभी तो मैं एक्टिव हूँ पहले के मुकाबले। चलो, वेरी गुड, और कंटिन्यू रखिएगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि खाना छोड़ने पे वजन कम ना हो। हो सकता है अभी महसूस नहीं हो रहा, 10 दिन के बाद जरूर महसूस होगा। आप जो ये वीडियो देख रहे होंगे, पैर जैसे खाना नहीं खा रही है तो सर वीकनेस आ सकते हैं कुछ? सूप पी सकती हैं, सूप सूप पी सकती हैं। सलाद तो मैं खा रही हूँ डेली। नहीं, आप सूप भी पीजिए, अगर आपको कभी लगे ना चक्कर आ रहे हैं या कुछ हो रहा है तो प्लीज सूप पी लिया कीजिए, है ना? ठीक है। और फ्रूट्स खा सकते हैं, कोई दिक्कत हाँ, नहीं? फ्रूट्स तो खा सकते हैं। और व्यूअर्स को क्या बताना चाहोगे जो ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे? ज्यादातर लोग देखते हैं जो, व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूंगी, विल पावर बहुत जरूरी है। और उसके अलावा डॉक्टर साहब की मेहनत भी है यहाँ पर। चिरोपैथी के लिए मैं आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो भी थेरेपी है उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ सभी स्टाफ के लिए। नहीं, ये थैंकफुल नहीं बताना, ये बताना है कि नहीं, ये तो अच्छी अच्छी बातें आप बता रहे हो, यानी कि उनको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कैसा होता है जो लोग नहीं कभी जानते, है ना? तो क्या समझ के आए हैं? जैसा कि आप पहले भी समझ के आए थे, आपने वीडियो में देखा था कट कट, तो वो पहले दिन तो ऐसा नहीं होता ना, है ना? जैसा हम वीडियो में, जैसे आज आपकी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 6-7 दिन के बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, यही एक्सपीरियंस फर्स्ट डे तो नहीं था आपका, है ना? जब जैसे जैसे शरीर खुलेगा, जिसका जिस तरह से शरीर होगा, तो वो उनको रियलिटी पता होना चाहिए क्या एक्सपेक्ट करें वो ट्रीटमेंट से, कैसे होगा, क्या वो एकदम से होगा, धीरे से होगा? नहीं, एकदम से तो नहीं होता, टाइम लगता है। और मैं भी घर पे भी एक्सरसाइज करती हूँ और कोशिश करती हूँ ज्यादा चलने की। चलना मेरे लिए बहुत मुश्किल बात थी, लेकिन मैं चलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी चलती थी। अभी तो मैं अपने घर से थोड़ा सा दूर है मेरा घर, आपके लिए तो विद इन मिनट में आप पहुंच जाएंगे, लेकिन मेरे लिए बड़ा टाइम लगता था। मैं मेन रोड तक जाती थी, लेकिन थैंक गॉड के आज मैं लगातार मतलब कि जा रही हूँ। अच्छा। मेन रोड तक आ रही हूँ, ये भी बड़ी बात है। चलो, इसको आप इस तरह से नंबलेस नहीं हुई इसमें, तो आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि आपका शरीर कहीं ना कहीं हल्का हो रहा है। हाँ जी। है ना, आपने जो खाना छोड़ा है उसकी वजह से भी चीजें होंगी। तो ट्रीटमेंट जब खत्म होगा उसके बावजूद भी प्लीज हम आपसे चाहेंगे कि आप अपना खाने वजन पे घटाने पे बिल्कुल ध्यान दूंगी, और हम आपको फिर एक वीडियो जरूर बनाएंगे 2 महीने बाद 3 महीने बाद आप आएंगे, तब जब आपका 15-20 किलो वजन कम हो जाएगा। कैसे यकीन करूं मैं आपको? आपको दोबारा वीडियो में आना है कि नहीं आना? अरे ये तो वीडियो की तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लोगों को बताना है, मुझे चलना है। आपने आपने अपने घर में किया, लोगों को आप मोटिवेशन बनेंगे ना? बिल्कुल बनना चाहती ये हूं। बहुत सारे लोग जो दवाइयां खा खा के अपने गुजारा कर रहे हैं, अगर उनको एक चीज पता चल जाए, मैं दवाई के बिल्कुल खिलाफ हूँ, बट उनको पता चल जाए कि वजन कम करने से कितना आपका स्वास्थ्य में लाभ हो सकता है, वो तो हम दिखाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और एक और चीज दिखाएंगे कि किसी भी चीज के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपकी खुद की विल पावर सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल,
और शादी में जाओ तो भरपेट खा लेना, ठीक है, बाकी टाइम कर लेना। नहीं मैं खा ही नहीं सकती ज्यादा, मैं तो बहुत कम खाना खाती हूँ, लोग भी देख के हैरान होते हैं इतना सा खाना खाती हूँ, फिर भी मैं इतनी मोटी हूँ। आप जब 20 किलो कम करोगे तो हम यहाँ पे फूड चैलेंज रखेंगे आपके साथ। क्या बात है, है ना, तो आपको छोले भटूरे भी खिलाएंगे यहाँ पे, बाप रे। और आपको पूरा खत्म करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है। सो व्यूअर्स प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, हम बुजुर्ग लोगों के साथ में, सीनियर लोगों के साथ में ये वीडियो इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि उन लोगों को मोटिवेशन मिले। आपके भी घर में किसी के साथ ऐसी कोई दिक्कत है तो हमसे ज़रूर संपर्क करें, हम जो भी बेस्ट हो सकता है, हंस के, डांट के, खाना कम करके, हम सारी चीज़ें करेंगे प्लस थेरेपी करके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, चैनल को लाइक करें, क्यों आंटी करना चाहिए, है ना, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।